अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर इकबाल। आज मैं आपको हरा धनिया, हरी मिर्च और लाल मूली की पनीरी बनाने का तरीका बता दूँ। ये मैंने एक सीलिंग पे बनाई है, इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है, और ये गमला है इसमें भी मिट्टी डाली है। इससे पहले मैं ये पालक के ये हरी मिर्च और टमाटर इनकी पनीरी लगाई हैं। आज मैं इन तीन चीज़ों की लगाने के आपको तरीका बताऊँगा। सबसे पहले हमें लाल मूली के बीज लेना है। इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। कोको पीट है, कोको पीट कर रहा हूँ, ओट्स, पीट मॉस, ये आपने इसके ऊपर हल्का हल्का पैर जमा देंगे। बाद में इसके ऊपर साबुत कर देना है पानी से। अब हम धनिया का बीज लेंगे, इसको एक साइड पर स्प्रिंकल कर दें। इसी तरह इसके ऊपर भी पीट मॉस आपने तेज जमा देनी। इसके दूसरी तरफ अब मैं लाल मिर्च इस साइड पर, ये लाल हरी मिर्च है या लाल मिर्च है जो भी निकलेगी, इसको भी आपने स्प्रिंकल कर देना है सीजन से। ये बैंगन भी हमने पहले लगाया था, इसी में बैंगन लगाया, वो भी अभी निकले नहीं है इसके। बाद में आपने पीट मॉस इसके ऊपर डाल देनी है। पीट मॉस मार्केट से अब अवेलेबल हो जाती है, बहुत सस्ती है, 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाती है। इसके बाद आपने इसके ऊपर शाह बता देना। आज मैंने आपको ये पनीरी लगाने का तरीका बताया। ये तकरीबन हफ्ते बाद पनीर तैयार हो जाएगी, तो ये इस तरह से पौधे निकल आएंगे ऐसे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर लूँगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। उस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।